जिन्होंने अपने पुरुषार्थ के द्वारा सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया, उन सभी सिद्ध आत्माओं के चरणों में हमारी वंदना, परम उपकारी पूज्य दादा गुरुदेव के चरणों में हमारी वंदना, परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा पुरुष आचार्य भगवंत श्रीमद चिंतामणि सागर श्री स्वर्गीय महाराज स्वाम के चरणों में हमारी वंदना। अनंत उपकारी जिनेश्वर परमात्मा ने केवल ज्ञान की संपदा को उपलब्ध करने के पश्चात करुणा भाव से भरकर आत्म तत्व का परिचय समस्त जनता के लिए देशना के द्वारा प्रभावित किया। किस प्रकार व्यक्ति स्वयात्रा की रुचि अपने भीतर में जगा सके, किस प्रकार व्यक्ति इन सारी अनुकूलताओं को प्राप्त करके इसका उपयोग स्वयं के लिए, स्वयं की प्राप्ति के लिए, स्वयं की सहज स्थिति में रमणता के लिए कर सके, इसी हेतु से परमात्मा ने देशना दी। यही लक्ष्य यदि हमारा बन जाए, इस जीवन को प्राप्त करने के बाद, इस प्रकार की बुद्धि को प्राप्त करने के बाद यदि हमारा लक्ष्य उस प्रकार का बन जाए, स्वयं की के बारे में, स्वयं की स्थिति के बारे में, स्वयं के स्वभाव के बारे में हमारे भीतर में आकर्षण का आविर्भाव हो जाए, हमारे भीतर में आकांक्षा की सहज स्थिति उपस्थित हो जाए, तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपने कदमों को उस दिशा की ओर बढ़ा सकेगा। सबसे प्रारंभ में हमारे भीतर में इस तरह की रुचि चाहिए, इस तरह की आकांक्षा चाहिए, हम जाने कि हमारी स्थिति क्या है और हम किस कारण से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यदि हमारे भीतर में स्वयं के बारे में इस तरह की जिज्ञासा के भाव उपस्थित हो जाए तो यही जिज्ञासा हमारा समाधान बन जाएंगे। बाह्य वातावरण में जिज्ञासा और होती है, समाधान कोई और देता है, लेकिन स्वयं के बारे में, स्वयं की स्थिति के बारे में जिज्ञासा ही अपने आप समाधान बन जाती है। जिज्ञासा ही अपने आप हमारे भीतर की स्थिति का विश्लेषण कर देती है, हमारे भीतर की प्यास ही प्यास को बुझाने में सक्षम। यदि हम गहराई से चिंतन करेंगे तो हम पाएंगे एक व्यक्ति प्यासा है, उसे प्यास लगी है, पानी चाहिए, पानी के अभाव में उसका कंठ सूख रहा, प्यास उसे लग जाए तो पानी की बूंदें ही उसकी प्यास बुझा सकेगी, ये बाह्य स्थिति है। जबकि आभ्यंतर स्थिति में स्वयं के बारे में यदि हमारे भीतर में प्यास उपस्थित हो जाए तो वह प्यास ही हमारे भीतर की प्यास को बुझा देगी। अभी तक हमारे भीतर में प्यास का कोई आविर्भाव नहीं हुआ, अभी तक हमारे भीतर में स्वयं के बारे में कोई प्रश्नावली तैयार नहीं हुई, अभी तक स्वयं के बारे में सहज जिज्ञासा के भाव पैदा नहीं हुए। सहज जिज्ञासा के भाव उपस्थित हो जाए, स्वयं के बारे में, स्वयं की आत्मा के बारे में, स्वयं के गुणों के बारे में, स्वयं के निज भावों के बारे में यदि प्रश्नावली उपस्थित हो जाए तो वही प्रश्न हमारे लिए उत्तर बन जाए, वही जिज्ञासाएं हमारे लिए समाधान बन जाए, वही शंकाएं शंकाओं का निराकरण करने में सक्षम बन जाए। क्योंकि जिज्ञासा हमारे भीतर के भावों से उपस्थित हो, जिज्ञासा हमारे भीतर के जो भी प्रश्न खड़े होंगे स्वयं के बारे में वो कोई बाहर के कारण से नहीं होंगे, बाह्य स्थिति के कारण से नहीं होंगे। स्वयं के भीतर में जब गहरी रुचि जगेगी तो ही हमारे भीतर में जिज्ञासा होगी और वही जिज्ञासा गहरी रुचि का कारण बनेगी। ये दोनों एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे, एक कड़ी के साथ दूसरी कड़ी अपने आप जुड़ती चली जाएगी, दोनों ही कड़ियां एक साथ हमारे भीतर में उपस्थित होती चली जाएगी। स्वयं के बारे में जब गहरी रुचि, स्वयं के बारे में जब गहन जिज्ञासा उपस्थित होती है तो अपने आप व्यक्ति का सारा पुरुषार्थ उस दिशा की ओर बहने लग जाता है। गहरी रुचि चाहिए, गहरा प्रयास चाहिए, गहरी आकांक्षा चाहिए तो पुरुषार्थ की दिशा में अपने आप परिवर्तन आ जाता है। और वह पुरुषार्थ जो संसार की ओर चला जा रहा, वह पुरुषार्थ जो प्रभावों की ओर बहा जा रहा, वह पुरुषार्थ जो हमारी आत्मा की विभाव दशा की ओर बहा चला जा रहा, उस पुरुषार्थ
पुरुषार्थ की दिशा में परिवर्तन हो जाएगा। पुरुषार्थ तो व्यक्ति करता ही है, निश्चित रूप से करता है। जिस व्यक्ति में जितनी क्षमता है निश्चित रूप से वह व्यक्ति उतने ही पुरुषार्थ करता है, लेकिन पुरुषार्थ की दिशा में परिवर्तन लाना चाहिए। पुरुषार्थ हमारा अन्य दिशा की ओर हो रहा, स्वयं के बारे में, स्वयं की स्थिति के बारे में, सहज गुणों के बारे में हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं हो रहा। एक गुजराती कवि ने बड़ी सुंदर बात कही, अधिकार पानी जगत मां, बड़ा सुंदर शब्द है हिंदी का अधिकार। कभी आपने इस शब्द के बारे में चिंतन किया? अधिकार शब्द का अर्थ होता है जो सहज रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं, जिस चीज को प्राप्त करने के लिए हमारे पास में अधिकार उपस्थित है। जैसे मान लो एक व्यक्ति कोई अति संपन्न व्यक्ति का पुत्र है, वहीं पर उसका जन्म हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से उस संपत्ति का वह व्यक्ति अधिकारी बन गया। हम चिंतन करें कि हम मात्र बाह्य साधनों के ही अधिकारी हैं या और भी कोई ऐसी चीज छुपी हुई है जिसके भी हम अधिकारी हैं। परमात्मा भगवंत महावीर का कथन है, सारे ऋषियों का कथन है कि हम स्वयं अपनी आत्मा को प्राप्त करने के अधिकारी उसी पल बन चुके जिस पल हमने इस जीवन को प्राप्त कर लिया, जिस पल हमने इस दुनिया में अपनी आंखें खोली, जिस पल हमने श्वासोश्वास लेना प्रारंभ कर दिया, उसी पल से हमें यह अधिकार मिल गया कि हम स्वयं की सत्ता को प्राप्त कर सके, अपने भीतर के भावों पर अपना अधिकार जमा सके, स्वयं की इच्छाओं को नियंत्रित करके स्वयं की आत्मा की प्रतिष्ठा स्वयं के मानस में कर सके। इस प्रकार का अधिकार हमें उसी पल मिल गया। हम चिंतन करें, अधिकार तो हमें मिल गया, अधिकार के लिए पुरुषार्थ की दिशा भी हमें मिल गई, लेकिन यदि उस प्रकार का प्रयत्न, उस प्रकार के प्रयास, उस प्रकार की रुचि, उस प्रकार की गहन जिज्ञासा यदि हमारे भीतर में उपस्थित न हुई तो अधिकार पानी जगत मा करियो न बेड़ो पार। गुजराती कवि ने कहा, जिस व्यक्ति ने अधिकारों को प्राप्त कर लिया, स्वयं को संसार भ्रमण से मुक्त करवाने का, स्वयं को जन्म जरा मृत्यु से इस चक्र से मुक्त करने का अधिकार जिसे मिल गया, और अधिकार मिलने के बाद भी जो व्यक्ति इस चक्र से मुक्त न हो सका, अधिकार मिलने के बाद भी जो व्यक्ति अपने भीतर की यात्रा का प्रारंभ न कर सका, जो व्यक्ति अपने भीतर की अमृत पान का रसास्वादन न कर सका, अधिकार पामी जगत मा करियो न बेड़ो पार, निश्चित रूप से उस अधिकार शब्द में से जो प्रारंभ का अ है वो निकल जाता है। अधिकार पानी जगतमा करियो न बेड़ो पार, अधिकार माथी अ गयो पाछल रहो धिक्कार। कभी आपने चिंतन किया, अधिकार में से जब अ उड़ जाए, अ समाप्त हो जाए, तो पीछे सिवाय धिक्कार के और कुछ भी शेष नहीं बचता। हम चिंतन करें, अधिकार हमें मिला है कर्मों की श्रृंखला से मुक्त होने के लिए, अधिकार हमें मिला है हम बाह्य भावों से मुक्त होकर के स्वयं की सहज स्थिति में, सहज समाधि में उपस्थित होने के लिए कि अधिकार हमें मिल गया। अधिकार मिलने के बाद भी यदि हमारा पुरुषार्थ उस प्रकार का न बना, उस दिशा की ओर न बढ़ा, अधिकार में से अ उड़ जाए समाप्त हो जाए, तो पीछे सिवाय धिक्कार की और कुछ भी शेष नहीं बचता, और हम स्वयं अपनी आत्मा को धिक्कारेंगे, कोई और नहीं, हम स्वयं गहन पश्चाताप में डूब जाएंगे। यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठे चिंतन करें तो हम पाएंगे, लेकिन व्यक्ति सुबह सुबह उड़ता है तो अपनी आत्मा को और ज्यादा बेहोश करने के पुरुषार्थ करता है, अपनी आत्मा को और ज्यादा बेहोश करने के प्रयास करता है। कभी आपने चिंतन किया, सुबह सुबह उठ करके व्यक्ति यदि अपनी आत्मा के विषय में चिंतन करे, स्वयं की चेतना की दशा के बारे में चिंतन करे कि मैं किस कारण से यहाँ पर उपस्थित हुआ, किस लिए मेरा जन्म हुआ, और मैं किस तरह की क्रियाएं कर रहा हूँ, किस तरह की प्रक्रियाएं कर रहा हूँ, स्वयं तो अच्छी तरह से जानता है कि मेरी दशा किस प्रकार की है। स्वयं अपने भावों के बारे में, हो सकता है कि बाह्य क्रियाओं के विषय में लोग जाने, लेकिन भाव क्रिया के संबंध में तो व्यक्ति स्वयं जानता है कि मेरी स्वयं की विचारधारा कैसी है, मेरे स्वयं के भाव कैसे हैं, और मैं जो क्रिया कर रहा हूँ उसके पीछे मेरी विचारधारा किस प्रकार की है व्यक्ति स्वयं जानता है। यदि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके एकांत में बैठ करके स्वयं की आत्मा के बारे में, स्वयं की चेतना के बारे में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके मौन युक्त वातावरण में, एकांत नीरव शांत वातावरण में यदि उपस्थित हो जाए व्यक्ति और अपने भीतर में विचार करें स्वयं की दशा के बारे में, स्वयं की चेतना के बारे में, उसकी आंखों में से आंसू बहेंगे, स्वयं का हृदय रो पड़ेगा, स्वयं का रोम रोम एक तरह से उदासीन बन जाएगा, रुदन करने लगेगा। स्वयं की स्थिति के बारे में यदि हम चिंतन करेंगे तो हमारे भीतर की दशा रो पड़ेगी, लेकिन व्यक्ति
सुबह सुबह ये चिंतन नहीं करता। व्यक्ति इस तरह का चिंतन कभी भी नहीं करता, क्योंकि इस तरह का चिंतन व्यक्ति को दर्द देता है, इस तरह का चिंतन व्यक्ति को और ज्यादा उदासीन बना देता है। और व्यक्ति यदि स्वयं के बारे में, स्वयं की स्थिति के बारे में दर्द महसूस करने लग जाए, स्वयं की स्थिति के बारे में एक तरह की पीड़ा महसूस करने लग जाए, तो समझ लीजिए कि उसी पल से उसके भीतर में स्वयं के बारे में जिज्ञासा का भाव पैदा हो गया। लेकिन व्यक्ति सारे आयोजन करता है, इस तरह की क्रियाएं करता है ताकि स्वयं के बारे में वह चिंतन भी न कर सके, स्वयं के बारे में वह सोच भी न सके, और इसी कारण व्यक्ति अपने आप को बाह्य क्रियाओं में ज्यादा से ज्यादा व्यस्त रखता है। कभी आपने चिंतन किया, जो व्यक्ति जितना ज्यादा अपने आप को व्यस्त रखता है, चाहे वो व्यापार के कारण हो, चाहे वो अन्य संसार के कारण हो, गृहस्थी के कारण हो, किसी भी तरह के कारण हो, जो व्यक्ति अपने आप को ज्यादा व्यस्त रखता है, इसका अर्थ यह है कि वो व्यक्ति अपने से और दूर भागता है, अपनी स्थिति से तो एक कदम और ज्यादा आगे भागता है। जो व्यक्ति नीरव वातावरण के अंदर बैठ करके उपस्थित होकर के स्वयं के विषय में चिंतन करे, तो ही वह पाएगा कि स्वयं की पीड़ा किस तरह की है, स्वयं की दशा किस तरह की है, किस प्रकार स्वयं की आत्मा के गुणों को और ज्यादा उसने खाई में धकेल दिया है, किस प्रकार उसने आत्मा के गुणों के ऊपर बाहर का और ज्यादा मुलम्मा चढ़ा दिया है, बाहर का और ज्यादा मुखोटा लगा दिया है। व्यक्ति स्वयं के विषय में चिंतन करे, लेकिन यह चिंतन नहीं करता। व्यक्ति सुबह सुबह उठता है, अपनी डायरी खोल करके ये देखता है कि आज मुझे किन व्यक्तियों के साथ में वार्तालाप करना है, कहाँ जाना है, कहाँ किस तरह की मीटिंग करनी है, कहाँ किस प्रकार उपस्थित होकर के मुझे अपना सौदा तय करना है। और इन तरह की क्रियाओं में जब व्यक्ति अपने आप को व्यस्त रहता है, तो एक तरह से ये क्रियाएं व्यक्ति को बाह्य प्रसन्नता से भर देती है, व्यक्ति को बाह्य हर्ष से भर देती है। व्यक्ति सोचता है कि आज मेरा इतना बड़ा सौदा निपट गया, प्रसन्नता से दिल भर जाता है। आज उस व्यक्ति ने देखा कि मेरे जमीन का मामला निपट गया, व्यक्ति का हृदय हर्ष के कारण से लबालब भर होता है, व्यक्ति को हर्ष देता है। यह सारा बाहर का व्यस्त जीवन, बाहर का व्यस्त चिंतन, ये सारा चिंतन व्यक्ति को क्षणिक हर्ष देता है, क्षणिक सुखों के एक तरह से किरणों में उसे डुबा देता है। और इस कारण से ये क्षणिक आवेश, ये क्षणिक हर्ष, ये क्षणिक सुख का वातावरण व्यक्ति के भीतर को और ज्यादा बेहोश कर देता है, व्यक्ति को अपने भीतर से और ज्यादा दूर ले जाता है। हमारा चिंतन यदि स्वयं के विषय में हो जाए, सुबह सुबह उठ करके हम स्वयं के बारे में चिंतन करें, स्वयं की आत्मा के विषय में चिंतन करें, मौन युक्त वातावरण हो, एकांत वातावरण हो, और वहां बैठ करके जब अन्य सारी बाह्य परिस्थितियों से अपने मन को दूर हटा करके अपने भीतर में व्यक्ति उतरता है, तो उसे लगता है कि भीतर में कितनी पीड़ा हो रही, भीतर में कितना दर्द हो रहा। और तब यदि पश्चाताप के आंसू व्यक्ति के आंखों में से बह जाए, व्यक्ति का रोम रोम यदि रोने लग जाए, व्यक्ति का हृदय एक तरह से रुदन के कारण से आप्लावित बन जाए, पीड़ित बन जाए, त्रस्त बन जाए, निश्चित रूप से उसी क्षण से व्यक्ति के भीतर में स्वयं के बारे में जिज्ञासा का आविर्भाव हो जाता है। लेकिन व्यक्ति इस तरह के चिंतन से हमेशा दूर रहता है, और इसी कारण से व्यक्ति, जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ, क्रियाओं में सुबह से शाम तक मैं व्यस्त रहता हूँ, निश्चित रूप से वह व्यक्ति मानता है कि मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं बड़ा सुखी व्यक्ति हूँ, मैं बड़ा संपन्न व्यक्ति हूँ कि एक पल भी मुझे समय नहीं। लेकिन आप निश्चित तौर पर समझ लीजिए, ये बाह्य जगत की परिभाषा है कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा व्यस्त है वो अपने आप को बहुत ज्यादा सुखी समझता है। यदि भीतर में चिंतन करेंगे तो जो व्यक्ति जितना ज्यादा व्यस्त रहता है वह व्यक्ति उतना ही ज्यादा अपने आप से, अपने सहज समाधि से, अपने सहज सुखों के वातावरण से, सहज शांति की परम अवस्था से वह व्यक्ति और ज्यादा उतना ही दूर चला जाता है। वर्तमान का तो हमारा व्यवहार और हमारी परिभाषाएं सारी बदल गई। अब तो जो व्यक्ति जितना ज्यादा व्यस्त अपने आप को रखने की चेष्टाएं करता है वही समझा जाता है कि बहुत बड़ा व्यक्ति है। हमारे साधु साथियों में भी इस तरह से चलता है, जितना बड़ा व्यक्ति होगा, जितने बड़े साधु होंगे उतने ही ज्यादा वो व्यस्त रहेंगे। एक गया, दो आए, तीन गए, ये काम करना, वो काम करना, ये पत्रिका का प्रूफ तैयार करना है, वो काम करना है, दुनिया भर के सारे कामकाज। और बड़े हर्ष के कारण कभी हम चिंतन भी नहीं करते, कोई व्यक्ति आ जाए भाई ये काम करना है महाराज, मुझे ये सवाल करना है महाराज, कहते भाई अभी तो बड़ी व्यस्तता है, बड़ा व्यस्त जीवन चल रहा है, क्या करें, यहाँ तो बिल्कुल समय ही नहीं मिलता। यदि इस तरह का हमारा जवाब रहता है, निश्चित रूप से हम उस वक्त बड़े प्रसन्नचित होते हैं, विचार करते हैं कि क्या मेरा सुंदर जवाब है कि मैं प्रति पल व्यस्त रहता हूँ। सामने वाला व्यक्ति बड़ा प्रभावित बनेगा कि महाराज की स्थिति किस तरह की है, लोगों में मान्यताएं किस तरह की है,
जी महाराज प्रतिपल व्यस्त रहते हैं, छोड़ते ही नहीं कोई व्यक्ति, पांच आते हैं दस जाते हैं, इस तरह का हम जवाब दे करके राजी होते हैं, जवाब सुन करके व्यक्ति प्रभावित होता है। हम जरा चिंतन करें, यदि साधु साधवी भी इस तरह से व्यस्त होने लग जाए, और वो भी व्यस्तता केवल बाहर की, केवल बाह्य चिंतन की, केवल बाह्य दशा की, और इसी तरह की क्रियाओं में यदि व्यस्तता व्यक्ति की बन जाए, तो निश्चित रूप से व्यक्ति स्वयं की साधना से और ज्यादा दूर हो जाता है। नीरव और एकांत शांत वातावरण में व्यक्ति की साधना होती है। साधु साधवी तो हर वक्त फ्री रहते हैं, मैं कहता हूँ साधु साधवी एक तरह से आपकी दृष्टि में हर वक्त निगम में रहते हैं, कोई काम उन्हें नहीं होता, और जिस वक्त में आप ये समझते हैं कि साधु साधियों को कोई काम नहीं होता, उसी समय में साधु साधवी या साधक अपने भीतर की दशा में उपस्थित होता है, क्योंकि आपको लगता है कि बाह्य दृष्टि से कोई काम नहीं, और जिस वक्त में बाह्य दृष्टि से कोई काम नहीं होता, व्यक्ति उसी समय में अपने भीतर की यात्रा का प्रारंभ होता है, व्यक्ति उसी समय में अपने भीतर में उतरने का पुरुषार्थ प्रारंभ करता है। जिस वक्त में व्यक्ति बाह्य क्रियाओं से मुक्त होता है, बाह्य वातावरण से मुक्त होता है, बाह्य परिस्थितियों को बाहर की दुनिया में ही समेट करके उनसे अलग होकर के विलग होकर के जब स्वयं के भीतर में उतरने की चेष्टाएं प्रारंभ करता है, निश्चित रूप से व्यक्ति के भीतर में तभी जिज्ञासा का भाव पैदा होता है, और वही जिज्ञासा उसका समाधान बन जाती है। वही जिज्ञासा जब गहन बनती है, गहरी बनती है, वही प्रश्नों की चोट जब चेतना के ऊपर में बल प्रतिपल लगने लगती है, प्रश्नों की चोट जिज्ञासा का प्रहार जब स्वयं की चेतना के ऊपर होने लगता है, तो भीतर के सारे राज खुलने प्रारंभ होते हैं, भीतर की सहज शांति की फुहारे व्यक्ति की चेतना के ऊपर में पड़नी प्रारंभ हो जाती है। हमारी जिज्ञासा स्वयं के विषय में बने, स्वयं की चेतना के विषय में बने, स्वयं की आत्मा के विषय में बने, लेकिन हमारी सारी जिज्ञासाएं, हमारी सारी प्रश्नावली मात्र बाह्य दशा में है, मात्र बाह्य संसार के विषय में है, और व्यक्ति बाह्य विषय में, बाह्य संसार में ही अपना सारा चिंतन गुजारता है, और इसी कारण से व्यक्ति अपने आप को व्यस्त रखने का पुरुषार्थ करता है और चिंतन करता है कि मैं परम सुखी हूँ। लेकिन वह व्यक्ति क्योंकि बाह्य आयोजनों से घिरा है, तब तक उसे पता चलता है, कभी आपने चिंतन किया आप किसी भीड़ में पहुंच जाए, बहुत सारे लोगों के बीच में पहुंच जाए, अचानक आपके भीतर में हर्ष का वातावरण पैदा हो जाएगा, सोचने लगेंगे, लेकिन जो ही आप एकांत में उपस्थित होंगे, जो ही आपके भीतर में दर्द पैदा होना उपस्थित हो जाएगा, क्योंकि एकांत आपको स्वयं के विषय में सोचने को मजबूर करता है। ये एकांत की खूबी, एकांत की बड़ी विशेषता है। पुराने ऋषि महर्षि गुफाओं में निवास करते थे, शहर के बाहर रहते थे, वो हल्ले से दूर रहते थे, तो इसका मतलब ये नहीं था कि उन व्यक्तियों को उस समय के व्यक्तियों से कोई एक तरह का दुराव था, छिपाव था, या लगाव नहीं था, या उनसे दूर रह करके ही वो स्वयं के विषय में ऐसा चिंतन कर सकते थे कि भाई इनके साथ में रह करके क्या करना। लेकिन नहीं, उस एकांत में बड़ी खूबी होती है, भीड़ हमेशा व्यक्ति को बेहोश करती है, और एकांत हमेशा व्यक्ति को जगाने का उपाय करती है, चेष्टाएं करती है, और इसी कारण से अपने आप पर हर चीज मौन युक्त बताई गई। आप तुमने कभी चिंतन किया, सामयिक लेकर के आप बैठ जाते हैं, सामयिक के विषय में कहा गया कि 48 मिनट के लिए आप मौन युक्त स्वयं के विषय में चिंतन करें, एकांत स्थान पर जाकर के बैठ जाए, कहीं पर भी किसी व्यक्ति का आवागमन न हो, या किसी तरह का कोई हो अजान न हो, ऐसे स्थान पर जाकर के बैठ जाए। कभी आपने चिंतन किया कि इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यही है कि जब व्यक्ति बाह्य हो हल्ले से मुक्त होता है, तब उसे भीतर के हो हल्ले का पता चलता है। बाहर का हो हल्ला भीतर के हो हल्ले को दबाता है, और इस कारण से व्यक्ति अपने भीतर में नहीं उतर पाता, भीतर की बीमारी को नहीं जान पाता, वह व्यक्ति केवल बाहर के हो हल्ले में ही डूबा रह जाता है। और जब व्यक्ति नीरव एकांत वातावरण में उपस्थित होता है, थोड़ी देर के लिए, भले 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए एकांत में बैठेगा, और भीतर का दर्द एकदम से बाहर आना प्रकट हो जाएगा, भीतर का हो हल्ला सारा बाहर आना शुरू हो जाएगा, तब उसे पता चलेगा कि मेरे भीतर में कितनी गंदगी भरी हुई है, क्योंकि एकांत एक तरह की चिकित्सा है। इसमें कोई डॉक्टर की आवश्यकता नहीं, किसी इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं, एकांत स्वयं चिकित्सा बन जाती है। यदि व्यक्ति एकांत में उपस्थित होकर के स्वयं के बारे में चिंतन करे, तो वही एकांत उसके भीतर की बीमारियों को समाप्त करने के लिए एक तरह से इंजेक्शन का काम करती है, और जब इंजेक्शन लगता है तो निश्चित रूप से भीतर की सारी गंदगी बाहर आती है, विचारों में उपस्थित होती है, भीतर की गंदगी, हृदय की गंदगी, चेतना की सारी गंदगी, वासनाओं की गंदगी, कषायों की गंदगी, और भीतर से दुर्भावों की गंदगी जब एकदम से मस्तिष्क में आती है, यात्रा प्रारंभ हो जाती है, एक तरह से रिवर्स होना प्रारंभ हो जाता है। हम बाह्य जगत में उपस्थित होते हैं तो सारी गंदगी भीतर लेते हैं, एकांत वातावरण में उपस्थित होते हैं तो भीतर की गंदगी बाहर आनी प्रारंभ होती है, और क्रमशः उसकी यात्रा भीतर से विचारों में आती है, और जब विचारों में उपस्थित
प्रकाशित होती है उस वक्त का यदि व्यक्ति का चिंतन स्वयं के विषय में हो जाए, जब गंदगी विचारों में उपस्थित होती है, मस्तिष्क में उपस्थित हो जाती है सारी गंदगी, उस समय में यदि व्यक्ति का संतुलन स्वयं के बारे में बराबर बना रहता है तो वह विचारों की गंदगी तुरंत व्यक्ति बाहर फेंक देता है, नष्ट कर देता है। यदि व्यक्ति का संतुलन बराबर नहीं स्वयं के विषय में, स्वयं की चेतना के विषय में, स्वयं की आत्मा के विषय में, तो वह व्यक्ति उस गंदगी को बाहर नहीं निकाल पाता और वह गंदगी वापस भीतर में उसकी प्रतिष्ठित हो जाती है, वापस भीतर में चली जाती है। गंदगी बाहर निकालनी है हमें भीतर में से, यह एक तरह का लक्ष्य हमें स्थापित करना ही होगा, हमें भीतर की यात्रा का प्रारंभ करना ही होगा। स्वयं के विषय में जब गहन जिज्ञासा बनती है, यदि एकांत समय में बैठ करके उपस्थित होकर के यदि हम चिंतन करें तो अपने आप भीतर का दर्द हमारा बाहर आएगा, आंसुओं के द्वारा बाहर आएगा, चिंतन के द्वारा बाहर चलेगा और हमारे भीतर में हमारे चिंतन के अंदर जो पीड़ा होगी उस पीड़ा के द्वारा वह सारी गंदगी बाहर निकलेगी। लेकिन हमारा चिंतन इस तरह का बनता नहीं, हम तो हमेशा बाहर के हो हल्ले में ही सुख और सुविधा को महसूस करते हैं। कहीं मेले में चले जाएं, अच्छा भोजन इत्यादि हो, खूब सारा पूजा इत्यादि के अंदर ठाठ लग जाए, हम राजी बन जाते हैं, विचार करते हैं कि हमारी यात्रा सफल बन गई। लेकिन कभी आपने चिंतन किया, आपने यात्रा की, हो हल्ले में आपने दर्शन किए, भीड़ भाड़ में आपने दर्शन किए, कभी थोड़ी सी देर के लिए भी परमात्मा की प्रतिमा के समक्ष आपने कभी बैठ करके चिंतन किया स्वयं के बारे में, स्वयं की दशा के बारे में, क्योंकि परमात्मा की मुद्रा वो आपको स्वयं के चिंतन के लिए प्रेरणा देती है, स्वयं के भीतर में जाने के लिए प्रेरणा देती है। थोड़ी सी देर भी हमारे भीतर में हमारा मन उतर जाए, हमारा विचार अपने स्वयं के भीतर में उतर जाए, तो निश्चित रूप से हमारी यात्रा सफल बन जाए और भीतर की सारी गंदगी बाहर आ जाए। अधिकार पानी जगत मां, हमें अधिकार मिला है कि हम भीतर की गंदगी को दूर कर सके। अधिकार हमें मिल गया लेकिन हम उसका दुरुपयोग करते हैं, गंदगी को बाहर निकालने का नहीं बल्कि और ज्यादा गंदगी को भीतर समेटने का हम उपाय करते हैं। ऐसा ही हम पुरुषार्थ करते हैं और शेष सिवाय धिकार के हमारे पास कुछ बचने वाला नहीं। हम स्वयं अपनी आत्मा को धिकारेंगे, स्वयं के जीवन को धिकारेंगे, स्वयं के विषय में हमारे भीतर में घृणा के भाव उपस्थित होंगे, लेकिन हमारा सारा का सारा चिंतन स्वयं के अधिकारों के विषय में, कर्म श्रृंखलाओं से मुक्त होने के अधिकार के विषय में, स्वयं की परम शांति अवस्था को उपलब्ध करने के अधिकार के विषय में हमारा चिंतन नहीं चलता और हम मात्र संसार के विषय में चिंतन करते हैं। संसार की तमाम वस्तुओं के बारे में हमारा चिंतन है, उस विषय में हम जितने ज्यादा आसक्त बने हुए रहते हैं हम भीतर से उतने ही ज्यादा दूर चले जाते हैं। लेकिन हमारी आसक्ति मात्र संसार के प्रति है, मात्र बाह्य संसाधनों के प्रति और स्वार्थों के प्रति है, मात्र भौतिकता के प्रति और शारीरिक सुखों के प्रति हमारी आसक्ति है। मिस्टर जगाशंकर एक बार चला जा रहा था, अपने गांव से रवाना हुआ, 3 कोस दूर चला गया, अचानक उसे एक बात याद आ गई। उसने विचार किया कि अरे वो बात मैं अपनी पत्नी को कहना भूल गया, अंधेरे रात्रि के अंदर वो रवाना हुआ था, शाम के समय में रवाना हुआ था, दूसरे गांव से जाना था, किसी रुगाई वगैरह का कोई कारण था, पैसे वगैरह लाने थे, वो रवा से रवाना हुआ, घंटा भर चल करके 1-2 कोस वो चला होगा, अचानक एक बात याद आई, तुरंत वो वहां से लौट पड़ा रात्रि में, और रात्रि में 12 बजे उसने अपने घर का दरवाजा खटखटाया, पति ने दरवाजा खोला, उससे पूछा कि अरे आप तो बाजू वाले गांव गए थे, आप वापस कैसे पधारे? मिस्टर जटाशंकर ने जवाब दिया कि अरे क्या करूं, मैं तुम्हें कहना भूल गया कि मैं जब यहाँ से रवाना हुआ था तो अपने कमरे के अंदर मैंने एक दिया जला दिया था, बाघ तेल का दिया जला करके मैं उसे बुझाना भूल गया और तुरंत यहाँ से रवाना हो गया था। मैंने विचार किया कि अरे मैं बाजू के गांव जाऊंगा, वापस आऊंगा, पता नहीं कितने घंटे लगेंगे और तब तक ये दिया जलता रहेगा, बातिल जलता रहेगा, समाप्त होता रहेगा, कितना भयंकर नुकसान हमारा हो जाएगा, इस कारण से मैं वापस आया हूँ ये कहने के लिए कि कम से कम दिया तो बुझा देना। पत्नी को बड़ा क्रोध आया कि इस छोटी सी बात के लिए ठीक इतना लंबा वापस लौटना पड़ा, इतनी लंबी वापस यात्रा की। उसने गुस्से में आकर के कहा, अरे दिया तो मैंने कभी का बुझा दिया, लेकिन इतनी 3 कोस आप गए और 3 कोस से वापस आप लौट करके आए, आपने 2 पैसे के घासेल का नुकसान आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन आपको पता नहीं कि इतनी दूर आप वापस आए, आपके जूते कितने घिस गए होंगे और उस जूतों का नुकसान कितना हो गया होगा। जटाशंकर ने जवाब दिया, मैं कोई मूर्ख आदमी हूँ, अरे मैंने जयपुर के अंदर कॉलेज में पढ़ रह करके शिक्षा मैंने प्राप्त की है, मैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, मैं कोई मूर्ख आदमी नहीं, अरे उन जूतों को तो बगल में दबा करके लाया हूँ, कैसे घिसेंगे, कैसे समाप्त होंगे, मैं हरगिज इस तरह का नुकसान बर्दाश्त तो नहीं कर सकता। व्यक्ति का संसार के प्रति इसी तरह का दृष्टिकोण है कि कहीं 1 पैसा भी समाप्त न हो जाए, 1 पैसे के विषय में भी व्यक्ति का चिंतन रहता है, ये कोई इस तरह की बात नहीं, हर व्यक्ति इसी तरह की सारी परिभाषाएं संसार के विषय में व्यक्ति रखता है।
जो व्यक्ति इस तरह की हैसियत का है, व्यक्ति का चिंतन भी उसी प्रकार का बनता है। व्यक्ति यदि केवल 100 रुपए का मालिक है तो 1 पैसे के विषय में भी उसके हृदय में 100 रुपए जैसी मान्यता बनेगी। एक व्यक्ति करोड़पति है तो उसका आधार थोड़ा विस्तृत बन जाएगा, 1 रुपए के विषय में उसका चिंतन नहीं होगा, लेकिन 1 लाख रुपए के विषय में उसका चिंतन होगा। जिस तरह से व्यक्ति की हैसियत बढ़ती जाती है, व्यक्ति की आसक्ति का आधार भी उसी तरह से विस्तृत बनता चला जाता है। लेकिन व्यक्ति की आसक्ति का आधार तो मात्र संसार है। कभी स्वयं के बारे में चिंतन किया, स्वयं के बारे में यदि चिंतन हो जाए, महाराज सैनिक जब परमात्मा भगवंत महावीर के पास में पहुंचे, उनके हृदय में बड़ा स्वर्ग था, बड़ा रुदन था और एकमात्र यही चिंतन था, क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि तुम्हें नरक जाना होगा। सैनिक ने विचार किया, उस वक्त की उसकी भाव दशा इस तरह की थी, कर्म बंधन, उसने भावों का रस कर्म बंधन करते समय और एक तरह की क्रिया करते समय इस तरह से उसने मिलाया था कि उसने घोर कर्म का बंधन, नरक आयुष्य कर्म का बंधन उसने कर डाला था। एक हिंसा उसने की, एक शिकार उसने किया और उस शिकार करते समय उसके भीतर के भावों का रस बह गया और इस कारण से, उस शिकार के कारण से उसने कर्म का, नरक आयुष्य के कर्म का बंधन कर लिया। परमात्मा भगवंत महावीर का सान्निध्य मिला और उसके भीतर में रुदन प्रारंभ हो गया। उसने कहा कि परमात्मा, मैं आपका इतना भक्त हूं, मेरे भीतर में आपके प्रति जो श्रद्धा है और जिस तरह के भाव बह रहे हैं वह रस मैं स्वयं अनुभव उसका मैं कर सकता हूं। मेरा एकमात्र यही चिंतन है, मेरे रुदन का एकमात्र यही कारण है कि मैं आपका भक्त हूं और मुझे नरक जाना पड़े। निश्चित रूप से कभी आपने चिंतन किया नरक जाना पड़े, ये थोड़ी स्थूल परिभाषा है, लेकिन यदि गहराई से चिंतन करेंगे तो यह प्रश्न भी स्वयं की आत्मा की स्थिति के बारे में, कभी आपने चिंतन किया आप लोग नरक से डरते हैं इसलिए कि वहां पर दुख सहन करना पड़ेगा, ये तो केवल बाह्य चिंतन है, इसलिए हमें नहीं डरना है। डरना इसलिए है कि हमारी आत्मा की अवदशा हो जाएगी, हमारी आत्मा जो ऊपर जानी चाहिए, उसकी उन्नति होनी चाहिए। नरक का अर्थ है निम्न गति की ओर, नीचे की ओर, अर्थात स्वयं की आत्मा की पर और ज्यादा अंधेरा चढ़ा देना। हम इस पाप से डरे, दर्द के कारण से नहीं, दुखों के कारण से नहीं, वहां पर जो दुख भोगने के शास्त्रों में वर्णन मिलते हैं उस कारण से हम नहीं डरे। डरे इसलिए कि हमारी आत्मा का अधोपतन हो जाएगा, वो और ज्यादा नीचे गिर जाएगी। और श्रेणी का यही चिंतन था, वो कह जरूर रहा था कि मैं नरक में मुझे जाना होगा, लेकिन चिंतन उसका यही था कि परमात्मा मैं आपका भक्त हूँ और मेरी आत्मा की अवदशा होगी, मेरी आत्मा की और ज्यादा नीचे अधोगति हो जाएगी, यह किस तरह की बात, मुझे किसी न किसी उपाय से मुझे बचाइए। रैणी का चिंतन इस तरह का था। यदि हमारा स्वयं का चिंतन भी स्वयं के बारे में इस तरह का बन जाए, हम नरक से न डरें और न स्वर्ग के हम जाने की खुशियों में हम आनंद की धारा अपने भीतर में बहाए, न तो स्वर्ग और नरक को अपने भविष्य का आधार बनाए। आधार इसे बनाए कि हमारी आत्मा का उत्थान करना है या हमारी आत्मा को पतन के गर्त में धकेल देना है। यदि हमारे चिंतन का ये आधार बन जाए, यह चिंतन हमारे भीतर में उपस्थित हो जाए, तो अपने आप स्वयं के विषय में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाए, स्वयं का सारा दृष्टिकोण बदल जाए, पुरुषार्थ की दिशा बदल जाए। परमात्मा ने उसे कहा, क्योंकि परमात्मा जानते थे कि यह इस तरह की क्रिया कर नहीं सकता, इसने गलत कर्म का बंधन कर लिया है, तो परिस्थितियां इसे उस तरह की क्रिया करने नहीं देगी। परमात्मा ने स्पष्ट रूप से 3 बातें कही कि या तो पुनिया श्रावक की सामाई खरीद लें, संभव नहीं हो सका, और या फिर दासी के द्वारा दान दिलाते, वो भी संभव नहीं। एक बात परमात्मा ने कहा कि यदि तुम एक रोज नरकाशी का पछवाड़ कर दो तो भी तुम नरक के बंधन से समाप्त हो सकोगे, नरक तुम्हें नहीं जाना होगा। श्रेणी ने विचार किया कि ये तो मैं आसानी से कर सकता हूँ, पर एक रोज ही तो नवकाशी का पछवान करना है, सूर्योदय से सिर्फ 45 मिनट तक नहीं भोजन करना, यही तो नवकाशी है। ये तो सामान्य ऊपर से दिखने वाली नवकाशी है, लेकिन इसके भीतर में जो भाव दशा भरी हुई है उसका बड़ा गहन चिंतन चला। सैनिक ने विचार किया कि मैं एक रोज को अवश्य में नवकाशी कर दूंगा। अभय कुमार ने भी यही सुना था, अभय कुमार के मन में था कि मैं ऐसा आयोजन करूँ ताकि यह अवश्य में नवकाशी कर ले, और एक रोज ऐसा हुआ। अभय कुमार ने इस तरह की कई उन्होंने आयोजन वगैरह किए ताकि राजा एक रोज देरी से ही उठे, मगर फिर भी वह नवकाशी का पछवाड़ नहीं कर सकता था, नहीं कर पाता था। एक बार ऐसा अभय कुमार ने आयोजन किया कि इधर तो सूर्योदय होता और इधर उसने शोभा यात्रा का आयोजन कर लिया। जुलूस के अंदर राजा की शोभा यात्रा, सम्राट स्वयं हाथी के ओहदे पर बैठे और यात्रा चले। इस ढंग से मार्ग का निर्धारण किया ताकि 1 घंटा 1.5 घंटा उस यात्रा में लगे और बाद में ही वहां पर पहुंचे, बीच में किसी तरह के जलपान की कोई व्यवस्था नहीं, तब तो अपने आप नवकाशी हो जाएगी।
अपने आप नवकाशी होना एक दूसरी चीज है, वह द्रव्य नवकाशी मानी जाएगी। और जब व्यक्ति अपनी भावनाओं को साथ में लेकर के करता है, निश्चित रूप से वही नवकाशी भाव नवकाशी मानी जाती है और वही कर्म बंधन की समाप्ति में निमित्त बनती है। क्योंकि मूल बात भावनाओं का आधार है, भावनाओं के आधार पर ही व्यक्ति अपने भविष्य का निर्माण करता है। शोभा यात्रा बड़ी जा रही थी, अभय कुमार ने विचार किया कि आज तो इनके नवकाशी हो ही जाएगी, मगर जरा सैनिक की दशा देखें, वो चला जा रहा था, हाथी के होते पर बैठा हुआ था और वो दुरुस्त चला जा रहा था। नवकाशी में मात्र थोड़ी सी देर बाकी बची थी, 48 मिनट सूर्योदय को होने के थोड़ी सिर्फ 5 मिनट शेष बचे थे, 46 मिनट हो चुके थे और इतने में सम्राट सैनी की नजर पड़ गई। वो चला जा रहा था, सामने देखा, ऊपर देखा तो एक बोर्डी थी जिसमें बोर वगैरह लगे हुए थे, लाल लाल बोर देखा। सैनी के मन में आया कि कितना सुंदर ये बोर वगैरह है। शोभा यात्रा चली जा रही थी, सैनिक ने उचक करके जल्दी से बोरों को तोड़ा और खा लिया, नवकाशी नहीं कर सका। अपने भीतर का रुदन उसी प्रकार का था, लेकिन वह व्यक्ति नवकाशी नहीं कर सका। व्यक्ति अपने भीतर में इस तरह की क्रियाएं भी तभी कर पाता है जब इस तरह का पुण्य बल वो व्यक्ति साथ में इकट्ठा करके लाया हो, और यदि व्यक्ति के पास में पुण्य बल इकट्ठा हो और फिर भी व्यक्ति अपने अधिकारों का उपयोग न कर सके, उसी व्यक्ति के लिए उस कवि ने बड़ी सुंदर बात कही, अधिकार पानी जगतमा करियो न बेड़ो पार, अधिकार माती अगयो पाछल रहो अधिकार, सिवाय अधिकार के और कुछ भी शेष नहीं बचता। हमारे भीतर में सैनिक जैसा दर्द हो जाए, सैनिक परमात्मा के पास में इसी दर्द को लेकर के उपस्थित होता हुआ कि मुझे नरक जाना पड़ेगा, अर्थात मेरी आत्मा की अधोदशा हो जाएगी, अवनति हो जाएगी, मुझे और ज्यादा अंधेरे में गुजरना होगा। हमारे भीतर में स्वयं के विषय में, स्वयं की आत्मा के विषय में, स्वयं की चेतना के विषय में यदि इस तरह का चिंतन चले, और यह चिंतन सुबह सुबह जब आप एकांत में बैठे हों, क्योंकि एकांत व्यक्ति को स्वयं के बारे में जागृत देने की दिशा देता है। जब अन्य व्यक्ति वहां पर उपस्थित होते हैं तो अन्यों के विचारों का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, परिस्थितियों का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, और फिर भी व्यक्ति अपने भीतर में यात्रा नहीं कर पाता। भीतर में यात्रा करने के लिए सुबह सुबह का समय एकांत का समय, और वह यदि चिंतन करे निश्चित रूप से उसके भीतर में दर्द उपस्थित होगा, निश्चित रूप से भीतर में एक तरह की पीड़ा, एक तरह की छटपटाहट, एक तरह की व्याकुलता के भाव भीतर में से उपस्थित होंगे, और तभी व्यक्ति गहन जिज्ञासा से भर सकेगा अपने विषय में। और एक बार यदि व्यक्ति के भीतर में स्वयं के विषय में, स्वयं की चेतना, स्वयं की आत्मा और स्वयं के सहज गुणों के विषय में जिज्ञासा भाव से भर जाए, निश्चित रूप से कोई समाधान की उसे आवश्यकता न रहे, क्योंकि वही जिज्ञासा, वही गहन जिज्ञासा उसके भीतर का समाधान बन जाए, और वही गहन जिज्ञासा हथौड़े का काम करके अपने भीतर के झरने के ऊपर आए हुए तमाम पत्थरों को तोड़ डाले, समाप्त कर डाले, सारे अवरोधों को तोड़ दे, और भीतर से वही जिज्ञासा अपने आप भीतर के झरने को हमारे सामने उपस्थित कर दे, वह रसास्वादन हमारे भीतर में उपस्थित हो जाए, वह गहन जिज्ञासा हमारे भीतर में चाहिए स्वयं के विषय में, स्वयं के गुणों के विषय में। तभी व्यक्ति के भीतर में जड़ वस्तुओं के प्रति आसक्ति का अभाव होता है, जड़ को जड़ के रूप में समझें और चेतन को चेतन के रूप में समझें, शाश्वत को शाश्वत के रूप में समझें और अशाश्वत को अशाश्वत के रूप में समझें, तो निश्चित रूप से व्यक्ति के भीतर में जड़ और चेतन का भेद विज्ञान स्पष्ट हो जाए। भेद विज्ञान का कुल मिलाकर के अर्थ यही है, जो जड़ है वो निश्चित रूप से जड़ है और जो चेतन है वो निश्चित रूप से चेतन है, बस इस बात का पता हो जाए। लेकिन हम जड़ के प्रति इतने आसक्त बने हुए हैं कि उसी में चेतना की कल्पनाएं करते हैं और शाश्वत में ही शाश्वत का अनुभव गहरा करने लग जाते हैं, और इसी कारण से व्यक्ति गर्व बंधन की प्रक्रिया में प्रतिपल और ज्यादा आगे बढ़ता जाता है, और प्रतिपल व स्वयं की आत्मा को और ज्यादा कर्मों से भारी बनाता चला जाता है। जिस पल हमारे भीतर में परमात्मा की देशना उतर आए, हमारे भीतर में परमात्मा की देशना, परमात्मा की वाणी व्यवहार के रूप में उतर आए, उसी पल हमारे भीतर में चेतना के प्रति चेतना का भान हो जाएगा और अपने आप जड़ की आसक्ति दूर हो जाएगी, विनष्ट हो जाएगी। जो ही हम जान लेंगे कि जिसके लिए हम सारी क्रियाएं कर रहे हैं वो जड़ है, वो हमारा साथी नहीं, वो हमारा साथ देने वाला नहीं, व्यक्ति की अपने आप सारी प्रवृत्तियां परिवर्तित हो जाती हैं।
व्यक्ति की यह भाव दशा रहती है, ये मनोदशा रहती है। व्यक्ति के सामने जब दो वस्तुएं हो, दो चीजें हो, तो उन दोनों में से व्यक्ति उसे ही ज्यादा महत्व देगा जो चीज उससे ज्यादा प्रिय लगती है। निश्चित रूप से व्यक्ति की यह मनोदशा रहती है, ये भाव दशा रहती है। जब किसी तरह के विकल्प उसके सामने हो, दो तरह की वस्तुओं में से किसी एक को ग्रहण करने की बात हो, तो वह व्यक्ति उसे ही ग्रहण करेगा जिस वस्तु के प्रति व्यक्ति की ज्यादा आसक्ति है, जिस वस्तु के प्रति व्यक्ति का ज्यादा प्रेम है, ज्यादा प्रीति है, ज्यादा लगाव, व्यक्ति उसे ही ग्रहण करेगा। ये अत्यंत स्वाभाविक बात है। हम जरा चिंतन करें, कल्पनाएं करें, जैसे मान लो आप अपने घर में उपस्थित हो और उस घर के अंदर मान लो आग लग जाए। स्वाभाविक रूप से व्यक्ति उस वक्त में अपने ज्यादा से ज्यादा जो कीमती आभूषण है उन्हें तुरंत बचाने का उपाय करेगा। हालांकि जो स्टील के बर्तन वगैरह हैं, व्यक्ति की आसक्ति उनके प्रति भी पूरी है, उन बर्तनों के ऊपर भी, उन वस्तुओं के ऊपर भी व्यक्ति का उतना ही ममत्व है। घर की सारी चीजें हैं, दादियां वगैरह हैं, और भी तरह तरह की चीजें हैं, उन वस्तुओं के प्रति भी व्यक्ति का उतना ही लगाव है। लेकिन जब दो में से किसी एक को बचाना हो, तो स्वाभाविक रूप से उस समय में व्यक्ति उसे ही ज्यादा महत्व देगा जिस वस्तु का महत्व उसकी नजरों में ज्यादा होगा, जिस वस्तु का मूल्य उसकी नजरों में ज्यादा होगा, व्यक्ति उसे ही महत्व देगा, उसे ही मूल्य देगा और उसे ही बचाने का सारा उपाय करेगा। घर के अंदर आग लग जाए, उस समय में व्यक्ति दादी तकियों की ओर नहीं भागता, उस वक्त में व्यक्ति स्टील के बर्तन और जितने भी सारा और दूसरा सामान है उसकी ओर भी नहीं भागता। व्यक्ति चाहता है कि थोड़ा सा समय है और इस थोड़े से समय में मैं जितना ज्यादा से ज्यादा बचा लूं, कीमती से कीमती सामान बस उसे ही मुझे बचाना है। वह तुरंत अपनी तिजोरी की ओर भागता है। जरा चिंतन करें कि उस समय में व्यक्ति उस वस्तु को ज्यादा मूल्य देता है क्योंकि वह जानता है कि इन वस्तुओं का मूल्य उन वस्तुओं की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। इस कारण से उन दूसरी सारी वस्तुओं को तिलांजलि देकर के छोड़ करके वह जो कीमती आभूषण वगैरह हैं उन उस तिजोरी की ओर व्यक्ति की नजर रहती है और उन्हें तुरंत पकड़ करके भाग जाना चाहता है, तुरंत रवाना हो जाना चाहता है। मान लो आग लग जाए और आग इतनी गहरी बन जाए, व्यक्ति के पास में बहुत थोड़ा सा समय हो और उस थोड़े से समय में दो में से कोई एक ही काम कर सकता है, मान ले या तो वह व्यक्ति तिजोरी में रखा हुआ सारा धन बचाए और या फिर अपने परिवार के दो मासूम बच्चे उन्हें बचाए, मात्र एक ही क्रिया कर सकता है, या तो वह बच्चों को बचाएगा और या फिर वह धन को बचाएगा, दोनों को एक साथ नहीं बचाया जा सकता। अगर व्यक्ति के सामने ऐसी स्थिति उपस्थित हो जाए तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति उस समय में उन आभूषणों का भी मूल्य नहीं आंकेगा, आभूषणों की तिजोरी को छोड़ देगा, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चों को बचाएगा, अपने परिवार को बचाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी अपेक्षा वो ये जानता है, अपने भीतर में मानता है कि धन की अपेक्षा मेरे परिवार का मूल्य ज्यादा है, ये मेरे ही अंग है, ये मेरा ही खून है, इस कारण से उनकी अपेक्षा इनका मूल्य ज्यादा है। व्यक्ति के सामने जब विकल्प उपस्थित होता है, दो तरह की चीजें उपस्थित होती हैं, तो हमेशा व्यक्ति उसे ही महत्व देता है जो ज्यादा मूल्यवान है। ये व्यक्ति अपनी ही नजर से, अपने ही दृष्टिकोण से सारी वस्तुओं को देखता है, नापता है। उस समय में चूंकि उसका प्रेम धन के प्रति बहुत ज्यादा है, स्टील के बर्तनों की अपेक्षा उसका प्रेम सोने के आभूषणों के प्रति ज्यादा है क्योंकि वह जानता है कि इनका मूल्य बहुत ज्यादा है, लेकिन उनकी अपेक्षा भी वो ये मानता है कि मेरे परिवार का मूल्य ज्यादा है, मेरे बच्चों का मूल्य ज्यादा है, और इस कारण से जब ऐसी स्थिति आ जाए कि या तो वह धन बचाए और या फिर वह परिवार बचाए, तो उस वक्त में स्वाभाविक रूप से व्यक्ति धन को छोड़ देगा, बच्चों को तुरंत वहां से उठा करके बाहर ले आएगा, क्योंकि उसकी प्रीति, उसका प्रेम या उसके भीतर का लगाव तो धन की अपेक्षा बच्चों के साथ में ज्यादा जुड़ा हुआ है। जरा चिंतन करें, मान लो ऐसी स्थिति उपस्थित हो जाए कि या तो वो अपने परिवार को बचाए और या फिर वो स्वयं को बचाए, दोनों में से एक ही क्रिया हो सकती है। मान लो एक छोटा सा दरवाजा है, एक ही दरवाजा है बाहर निकलने का, भीतर आग लग जाए, चारों ओर आग फैल जाए, कोई और रास्ता नजर न आए, और उस समय में परिवार खड़ा हो चारों ओर बाहर निकलने के लिए कि कोई रास्ता मिल जाए और जल्दी से निकले और वो थोड़ा सा समय बचा हो, व्यक्ति उस समय में जरा चिंतन करें किसे महत्व देगा।
परिवार को महत्व देगा या स्वयं के शरीर को महत्व देगा? परिवार को ज्यादा महत्व देगा कोई ज्यादा ही संवेदनशील व्यक्ति हो तो बात दूसरी है, अन्यथा व्यक्ति अपने को ही ज्यादा महत्व देगा और वो विचार करेगा कि मैं तो सबसे पहले बच जाऊं, बाकी पीछे आते रहेंगे। सबसे पहले स्वयं के प्रति निश्चय की स्थिति वो अपने सामने उपस्थित कर देना चाहता है, बाकी पीछे के भले अनिश्चय की स्थिति में हो, कम से कम मैं तो बच जाऊं, मैं तो निकल जाऊं, बाकी पीछे आते रहेंगे। कभी आपने चिंतन किया, धन की अपेक्षा व्यक्ति परिवार को ज्यादा महत्व देता है, परिवार की अपेक्षा भी व्यक्ति को ज्यादा महत्व शरीर को देता है, क्योंकि वह जानता है कि यह शरीर मेरा है। शरीर के प्रति उनकी अपेक्षा भी उसका ज्यादा लगाव, ज्यादा जुड़ाव, ज्यादा प्रीति और ज्यादा प्रेम है। बस प्रेम की यात्रा व्यक्ति की यहीं पर पूरी हो जाती है। बस इतने ही सारे विकल्प हैं, या तो व्यक्ति का प्रेम धन के प्रति है, परिवार के प्रति है और स्वयं के शरीर के प्रति है। बस इन्हीं के प्रति व्यक्ति की प्रेम की परिभाषा यहीं पर अटक जाती है, यहीं पर समाप्त हो जाती है, यह परिभाषा आगे नहीं बढ़ती। वो जानता है कि शरीर ही मेरा है और शरीर के अभाव में मेरा कुछ भी नहीं है। यदि शरीर मेरा जल जाएगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं समाप्त हो जाऊंगा। स्वयं की मौत की कल्पना के कारण वह स्वयं को बचाने का सारा पुरुषार्थ करता है, सारी चेष्टा करता है। शरीर तक व्यक्ति की प्रीति का मार्ग पूरा हो जाता है, लेकिन अध्यात्म मार्ग यह कहता है कि व्यक्ति के प्रेम का एक और विकल्प है, एक और आगे माध्यम है और वो है स्वयं की आत्मा। जब व्यक्ति शरीर से भी ऊपर उठ करके स्वयं की आत्मा तक जा पहुंचता है और स्वयं की आत्मा के साथ जब प्रीति हो जाती है और इन दोनों में जब एक तरह से ये खोज करने लगता है कि इन दोनों में महत्व किसका है। स्वाभाविक रूप से व्यक्ति दो वस्तुओं में से, जैसे मान लो व्यक्ति को कहा जाए कि ये सामने दो वस्तुएं रखी हुई है, एक मान लो कांच का टुकड़ा हो और एक मान लो कोई हीरे जवाहरात की चुड़िया हो, इन दोनों में से व्यक्ति स्वाभाविक रूप से जवाहरात की चुड़िया उठाएगा और उसका एकमात्र कारण है कि वो जानता है कि इसका मूल्य ज्यादा है। यदि जानकारी न हो तो उसके लिए कांच की चुड़िया हो चाहे हीरे जवाहरात की चुड़िया हो, दोनों एक समान है। लेकिन जिस व्यक्ति को यह जानकारी है कि इसका मूल्य क्या है और इस वस्तु का मूल्य क्या है, वो स्वाभाविक रूप से चिंतन करने के बाद जो ज्यादा मूल्यवान वस्तु होगी उसे उठाएगा, बेहोशी में काम नहीं करेगा। उस वक्त में व्यक्ति का दिमाग काम करेगा कि टटोलेगा कि दोनों में से ज्यादा महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी है, ज्यादा मूल्य किस वस्तु का है, उसे उठाने का पुरुषार्थ करेगा। यदि हमारा चिंतन यही मूल्यवत्ता का चिंतन स्वयं के शरीर के प्रति और स्वयं की चेतना के प्रति जागृत हो जाए, ये दोनों तो विकल्प है, एक हमारे पास स्वयं का शरीर है और एक हमारे पास स्वयं की चेतना है, एक हमारे पास हमारा जड़ शरीर है, अशाश्वत शरीर है, नश्वर शरीर है, पौधलिक शरीर है, समाप्त हो जाने वाला शरीर है, और एक हमारे पास में शाश्वत दुनिया है हमारी, हमारे भीतर में शाश्वत गुणों का कोष, गुणों का खजाना चेतना के रूप में मौजूद है। इन दोनों में जब हमारे भीतर में एक तरह की प्रश्नावली खड़ी हो जाए, इन दोनों में से बचाना है किसे बचाएं, इन दोनों में से महत्व देना है किसे महत्व दें, इन दोनों का मूल्य करना है किसे हम अपने मूल्य से, अपने कीमती मूल्य से किसे प्रतिष्ठित करें, यदि हमारे भीतर में ये चिंतन उपस्थित हो जाए तो उसी पल जड़ की सारी दुनिया पल भर में निकल जाए और हमारे भीतर में चेतना की सुगंध उपस्थित हो जाए। लेकिन हमारा ये चिंतन नहीं होता, हम शरीर तक आकर के ही वहीं तक हमारे प्रेम की परिभाषा पूरी हो जाती है। शरीर के बाहर भी कोई और तत्व है, शरीर के भीतर भी कोई और ज्यादा शाश्वत तत्व है, उसकी और हमारी कोई नजर नहीं होती। टेम्परेरी व्यवस्था, यह शरीर जो है एक तरह की टेम्परेरी व्यवस्था है, वैकल्पिक व्यवस्था है, अशाश्वत व्यवस्था है आत्मा को टिकाने की। ठीक है, कुछ वर्ष रुकेगी, 5 वर्ष टिकेगी, 10 वर्ष टिकेगी, 100 वर्ष तक टिकेगी, लेकिन ये टेम्परेरी व्यवस्था है, उसकी ओर तो हमारा बहुत ज्यादा लक्ष्य है। लेकिन जो परमानेंट तत्व हमारे भीतर में है उसकी ओर कोई हमारा लक्ष्य नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर एक चीफ मिनिस्टर हुआ, बड़ा ये इस तरह का कल्पित एक मजाक चला वहां पर, एक चीफ मिनिस्टर नियुक्त हुआ, बिल्कुल युवा नया घूमता एकदम नियुक्त तो हो गया, चीफ मिनिस्टर तो बन गया, दिल्ली गद्दी की कृपा से बन तो गया, लेकिन विचार किया कि मुझे अपना रौब झाड़ना है, मैं चीफ मिनिस्टर बन गया हूँ, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। हर व्यक्ति के आगे वो रौब झाड़ने का विचार करने लगा कि मैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हूँ, मेरा अपना अहम है, मेरी अपनी प्रतिष्ठा है। फिर विचार किया कि मैं एमएलए को, सारे जो एमएलए वगैरह हैं, विधायक वगैरह हैं, उन्हें लताड़ पिलाऊं,
लेकिन फिर विचार किया, डर गया कि नहीं भाई इन्हें लताड़ पिटाने का कोई अर्थ नहीं, दो चार भी इधर से उधर हो गए, गुटबंदी का जमाना है तो मेरा ही ट्रांसफर हो जाएगा, मुझे ही कुर्सी से खिसक जाना पड़ेगा, दो चार एमएलए भी इधर उधर हो गए तो पता नहीं मेरी गद्दी भी सुरक्षित रहेगी या नहीं, इन्हें तो मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, इन्हें मैं तुम्हें ज्यादा लताड़ पिला नहीं सकता, और किसी मिला और कोई व्यक्ति मिला नहीं, सुबह सुबह वह जोश में आया हुआ था कॉफी वगैरह पी करके कि किसे किसके ऊपर मैं अपना गुस्सा ठंडा करूं और अपना रोक धाम वगैरह जमाऊं, और कोई मिला नहीं, चपरासी वगैरह मिल गया, तृतीय श्रेणी का चपरासी, उसे बुला करके कहा कि अरे अपने कक्ष में पहुंच करके कहा कि अरे तुम कोई काम करते हो, ये धून यहाँ पर पड़ी है, ये वो यहाँ पर पड़ा है, तुम काम नहीं करते, ठीक काम नहीं करते, मैं तुम्हें निकाल दूंगा। इस ढंग से उसके ऊपर रॉक डालने लगा, वो चपरासी भी कोई सामान्य आदमी नहीं था, बड़ा अनुभवी व्यक्ति था, उसके अंदर में न मालूम कितने चीफ मिनिस्टर आए और कितने ही गए। उसने कहा कि हुजूर जरा ध्यान से बात करिएगा, आप टेम्परेरी हैं, परमानेंट तो मैं हूँ, पता नहीं आप कब खिसक जाएंगे, आप तो टेम्परेरी हैं, परमानेंट मैं हूँ, मैं वर्षों से यहाँ हूँ, कितने ही मुख्यमंत्री यहाँ पर आए और कितने ही गए, लेकिन मैं आप वहीं का वहीं टिका हुआ हूँ, मैं आज तक वहीं का वहीं उपस्थित हूँ, आप जरा ध्यान पूर्वक बात करिएगा। हम टेम्परेरी को ज्यादा महत्व देते हैं और परमानेंट को जरा भी महत्व नहीं देते। यदि हमारा चिंतन उस शाश्वत तत्व की ओर उपस्थित हो जाए, स्वयं के भीतर की प्रक्रिया में हमारा यदि दृष्टिकोण उपस्थित हो जाए तो स्वयं की चेतना हमारे सामने उजागर बन जाए। हम धन की अपेक्षा परिवार को ज्यादा महत्व देते हैं, परिवार की अपेक्षा हम अपने शरीर को ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन शरीर की अपेक्षा बस उसके आगे हमारी परिभाषा एक तरह से पूरी बन जाती है। हम यदि इसके एक